बिल्व तथा श्रीफल नाम से प्रसिद्ध यह फल बहुत ही उपयोगी है। सामान्य रूप से इसे बेल नाम से भी जाना जाता है। बिल्व के अनेक नाम बताए गए हैं, जैसे कि सलाटू, सांडिल्य, हृदयगण, शैलूष, वातसार और अरिभेद। इसी प्रकार और भी कुछ नाम है बेल के। इसका वृक्ष शिवद्रुम भी कहलाता है। बिल्व का वृक्ष उर्वरता का प्रतीक, अत्यंत पवित्र तथा समृद्धि देने वाला वृक्ष है। तीन पर्णों में विभक्त हुए इसके पर्ण बिल्व पत्र नाम से भी जाने जाते हैं। इस पत्तों में तत्व, रज और तम, इन तीन गुणों तथा भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों के प्रतीक माने जाते हैं। बेल के पत्ते शंकर जी का आहार माने गए हैं, इसीलिए भक्त इन्हें बड़ी श्रद्धा से महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं। शिव जी की पूजा के लिए बेल का पत्र आवश्यक माना जाता है। शिव भक्तों का विश्वास है कि पत्तों के तीन नेत्र स्वरूप तीनों पणक शिव के तीनों नेत्रों के विशेष रूप है। इसके फलों और पके फलों में मीठी सुगंध आती है जो हृदय को भाती है, इसीलिए संस्कृत में बिल्व को हृदय गंध भी कहते हैं। बिल्व के वृक्ष में छोटे बड़े फल लगते हैं। कुछ फलों का छिलका मोटा तथा कठोर होता है। कुछ फलों के छिलके इतने पतले होते हैं कि थैलियों के बीच में दबाने से टूट जाते हैं। इसे फलों को कागजी बिल कहा जाता है, क्योंकि फल होने के कारण तथा धार्मिक महत्व होने के कारण यह बगीचे तथा मंदिरों में भारत के सब जगह लगाया जाता है। बाजार में मिलने वाले फलों को दो स्वरूप में बांटा जा सकता है, एक तो वे जो आकार में छोटे होते हैं और जंगलों में स्वयं पैदा होते हैं, दूसरे वे जो आकार में बड़े होते हैं और इन्हें बगीचों में उगाया जाता है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि हमें छोटे फल इस्तेमाल करने चाहिए या फिर बड़े फल। चिकित्सा में दोनों प्रकार के फल काम आते हैं। बिल्व का औषधीय महत्व तो है ही, पर इसके साथ और भी कुछ महत्व है। इसके फूलों की चाय स्वादिष्ट होती है। श्रीलंका में इस चाय का बड़ा ही प्रचलन है। वहाँ इसके फूलों से बनने वाली चाय को बेलीमल कहा जाता है। इसके पत्ते भगवान को तो प्रिय है ही, उसके साथ ही चारों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऊंट पालक चैत्र में अपने ऊंटों को इसके फल बहुत खिलाते हैं, इससे उनकी बीमारियां भी दूर हो जाती है। पवित्र होने से इसकी उपमा चंदन से की जाती है। इसके फूलों में मधुर गंध युक्त अर्घ खींचा जाता है। कपड़ों को धोने के लिए साबुन के प्रतिनिधि के रूप में इसका गुदा काम में लिया जाता है, क्योंकि इसमें अपक्षालक गुण होते हैं। पके हुए बिल्व के गुदे को पानी में हाथ से मसल कर घोल ले, छान कर बीज और रेसे फेंक दे और यह शरबत बन जाता है। आहार और स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम होता है। इसमें स्वयं मिठास रहती है। कुछ लोग इसके शरबत में जरा सी सौंठ और काली मिर्च मिलाकर लेते हैं। पानी के स्थान पर कुछ लोग इसमें दूध या फिर दही मिलाकर लेते हैं। दही मिलाकर बनाया गया शरबत पेट के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। पका फल मधुर, सुगंधित और शीतल होता है। पके फल का गुदा सुखाया जाए तो हल्के नारंगी रंग का दिखता है। पानी में इसे घोले तो यह पूर्ण नारंगी रंग का दिखता है। अब हम जानते हैं कि आंतों के रोगों के लिए ये फल किस तरह से फायदेमंद है। इसका फल कच्चा हो या पका, दोनों ही तरीकों से आंतों के रोगों में अद्भुत फायदा करता है। जिन लोगों की आंतें बहुत रुक्ष होती है, चिरस्थायी मलबंध रहता है और मल कठोर रुक्ष तथा गांठों के रूप में कष्ट से आता हुआ, उन्हें बेल के सेवन करने से बहुत लाभ होता है। यह आंतों की तरंग गति को नियमित करता है, पतले मल को बांधकर तथा कठोर मल को मृदु करके लाता है। आंतों के रोगियों को प्रतिदिन बेल का फल लेना चाहिए। जिस मौसम में पका फल न मिले उसमें कच्चे फल को भूनकर खाना चाहिए। कच्चे फल की गिरी को धूप में सुखाकर रख देना चाहिए। इन दिनों में कच्चे या पक्के फलों की उपलब्धि न हो उन दिनों उस चूर्ण की फंकी को लेना चाहिए। अतिसार और पेचिस में यह अत्यधिक लाभ प्रदान करता है।